कुसिया, ओ कुसिया। तुम्हारी आदत है ना बात बात पे टेस्वे बहाने की, गंदी आदत है। तो सास बन गई अब, थोड़ा तो सास बना लिया अपने आप में कुसिया। कहाँ सोच रही हो कि रिया हमारे बारे में? 24 साल से हमारे साथ रह रही है, अभी तक की समझ में नहीं आई तुझे बात कि एक सास के लाने बहू का सोचती है, उनका कोनो महत्व नहीं। सास का सोचती है बस उसी का महत्व है, वो जरूरी है, हैं? तभी तू सफल सास बन पाएगी मेरी तरह। तुझे याद है कि फिर से याद दिला दे? अरे कल करवा चौथ है, काका तैयारी करनी है, याद है कि हर साल की तरह फिर से हम तुम्हें भाषण दे। हमको याद है, हम सारी तैयारी कर लेंगे। वैसे भी आज इस बार बहू की जो पहली करवा चौथ है ना, तो बहू के लाने सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, बहू के मुताबिक सारी तैयारी करनी पड़ेगी करवा चौथ की, तो ठीक से कर लेंगे हम। अभी तक इतना समझाया तो भी अभी तक बहू का गाना ही गाए जा रही है, है? अच्छे से समझा देना, है कल करवा चौथ है, कछु खा पी ना ले, पिछली बार है बहुरिया काका भागे जा रही है, अब इस जाने की तैयारी हो रही है। जी दादी जी। हाँ वो कहा है, आज है ना, तू ऑफिस से जल्दी वापस आ जाना है, और कल करवा चौथ है, व्रत रखना, अच्छा गड़बड़ मत करना पिछली बार की तरह खा पी के, नहीं तो पता है ना कहा हुआ था पिछली बार। दादी जी आप टेंशन मत लीजिए, इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा है, तो फिर आके शाम को साड़ी वाड़ी गहने निकाल के रखना, सूट जो भी पहनने वाली है पर अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छे से तैयार होना। हमने मेहंदी वाली को भी बुलाया है, घर की सब लड़कियां मिलके मेहंदी लगाएंगी। कुसिया है? आपसे बात करनी थी। मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। और एक विनती और है मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा, मैं सब सीख जाऊंगी, सब समझ जाऊंगी। पागल हो गई हो का? गृहस्थी है बेटा, ये सब तो चलता रहता है। तुम दिल छोटा मत करो, जितनी ज्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत ना है, समझे? पागल है। चलो तुम जाओ, कोई बात नहीं है, हमको बुरा नहीं लगा, ठीक है? खेल का थैंक यू। इसलिए तुमने जो अभी नीचे माँ को कहा उसके लिए। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने वो सब तुम्हारे लिए किया है। तो फिर क्यों कहा? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? साइड प्लीज। मेरा दुपट्टा छोड़ो शिवम, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। शिवम मेरा दुपट्टा।
ऐसे 3 इंच की स्माइल देने से कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो, बहुत डांटेंगे नहीं तो। ये कौन से ट्यूशन जाने का टाइम है भाई? अरे नहीं मम्मी, कोई ट्यूशन नहीं, मैं तो नानी को स्कूटी लौटाने जा रही थी। एक थप्पड़ लगाएंगे जो स्कूटी वापस करने की बात की तो। मम्मी अब गुस्सा क्यों हो रही हो? अपनी स्कूटी थोड़ी ना, भाभी की स्कूटी है, लौटानी पड़ेगी ना। कोई भाभी की स्कूटी नहीं, तुम्हारी स्कूटी है वो। तुम्हें ज्यादा जरूरत है ना बेटा, तुम ट्यूशन जाती हो, कॉलेज जाती हो, हैं? अम्मा ने इतने प्यार से तुम्हें स्कूटी दी है, अब तुम उसे वापस दोगी तो उनका दिल दुखाओगी का, हैं? पर मम्मी मुझे स्कूटी नहीं। बस जिंदगी में पहली बार थप्पड़ खाना है का? चलो जाओ अंदर जाओ। अम्मी जी लीजिए चाय। मम्मी जी पापा जी कुछ बता के गए हैं का? रात भर नहीं आए, हमको तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। अरे वो का बताएंगे, हैं? लफेंडर गिरी सूझ रही है उन्हें और का। सच्ची बता रहे हैं, हम तो जब स्वर्ग जाएंगे ना भगवान से पूछेंगे, भगवान जी कि कैसे कैसे नमूने चिपका दिए हमारी जिंदगी में। इतने कर्म कांड के बाद भी मम्मी जी स्वर्ग जाने की बात सोच रही हैं। का बोल रही है, कुछ बोल रही है का? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि हमको ऐसा लगता है कि पापा जी जरूर कोनो मुसीबत में फंस गए होंगे, ऐसा कभी नहीं करते ना वो। इस मुसीबत से और का बड़ी मुसीबत होगी जिसमें फंसेंगे, हैं?